हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर सिक्स चेंजेस अराउंड अस ऑफ क्लास सिक्स साइंस व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू व्हाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज कितना मजा आए अगर आपके पास मैजिकल पावर्स आ जाए जिसे आप कोई भी चीज़ चेंज कर सको तो आप सबसे पहले क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे वी have नॉट हैव द मैजिकल पावर्स of course हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस perhaps many things. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व लेकिन फिर भी हम बहुत सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बिना किसी मैजिकल पावर के क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जिसे हम बिना किसी मैजिक के चेंज कर सकते हैं Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crop changes from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color, and dry out. The flowers blooms and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller, and your weight increase as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you? All द टाइम हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं अगर हम अपने खेतों में देखें तो जो क्रॉप होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है जो ट्रीज़ होते हैं उसके लीव्स गिर जाते हैं कलर चेंज हो जाता है या फिर वो सूख जाते हैं जो फूल होते हैं वो खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं बहुत सारे ऐसे चेंजेज होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं हमारे नेल्स बढ़ते हैं हमारे हेयर्स बढ़ते हैं हम लंबे हो जाते हैं हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है क्या आपने आज से पहले कभी इन चेंजेस के बारे में सोचा है जो हमारे चारों तरफ होते हैं कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रूप टुगेदर क्या सभी चेंजेस जो होते हैं उनको हम एक ही ग्रुप में रख सकते हैं हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन दैम हम डिफरेंट चेंजेस को कैसे ग्रुप में रख सकते हैं अगर हम उनकी सिमिलरिटीज़ को पहचान लें तो शायद ये हमारी हेल्प कर सके कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड क्या सारे चेंजेस जो हैं रिवर्स्ड हो सकते हैं एक्टिविटी वन टेक ए बैलून एंड ब्लो इट टेक केयर डैट इट डज़ नॉट ब्रस्ट द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज नाउ लेट द एयर एक्सकेप द बैलून एक्टिविटी फर्स्ट एक बैलून लो और उसको फुलाओ लेकिन केयर से कहीं वो फट ना जाए अब उसका जो शेप और साइज है बैलून का वो चेंज हो जाएगा अगर आप हवा को वापस एक्सकेप करने दोगे तो उसका साइज फिर से वापस हो जाएगा एक्टिविटी टू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर सिक्स पॉइंट टू यू हैव चेंज द शीट ऑफ द पेपर इन टू अ टॉय एरोप्लेन यू मे हैव द लोट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन वंस यू आर टाइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन एक्टिविटी टू एक पेपर का पीस लीजिए और फिगर सिक्स पॉइंट टू में जो दिखाया गया है कि आप उसे एक प्लेन बनाइए और उसके साथ खेलिए जब आप उससे थक जाओगे बोर हो जाओगे तो पेपर को फिर से अनफोल्ड कर दीजिए तो ये जो चेंजेस हैं वो रिवर्स चेंजेस में आते हैं एक्टिविटी थ्री टेक सम डो एंड मेक अ बॉल ट्राई टू रोल आउट अ रोटी मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इंटू अ बॉल ऑफ डो अगेन एक्टिविटी थ्री में हम आटा लेंगे और उससे एक बॉल बनाएंगे अब हम उसकी एक रोटी बनाएंगे आप उसकी शेप से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो आप उसकी शेप को चेंज करना चाहते हो वापस बोल बनाना चाहते हो नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी वन टू थ्री वट डू दे हैव इन कॉमन अब एक्टिविटी वन टू थ्री में जो भी चेंजेस हुए हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन थी वाज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़ क्या यह पॉसिबल था कि बैलून को हम वापस से उसकी शेप और साइज में ला सके वाज द साइज़ ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन एरोप्लेन बनाने से पहले और एरोप्लेन बनाने के बाद जो पेपर का साइज़ था वो सेम था वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बोल ऑफ द डो अगेन क्या आटे का फिर से बोल बनाना पॉसिबल था वट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटी इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टिड आवर एक्टिविटी आपको इनसे क्या कंक्लूजन मिलता है इन तीनों एक्टिविटी में जो भी मटीरियल हमने लिया है उसको हमने फिर से वापस उसकी पहली वाली स्टेज में पहुँचा दिया था इफ़ द आंसर इज यस इट मीन्स डैट द चेंज अक्रिंग इन दिस एक्टिविटी कैन भी रिवर्स्ड नाउ लेट एस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ अ डिफरेंट अगर आपका आंसर यस है तो इसका मतलब ये है कि जो भी एक्टिविटी हमने की है वो वो चेंजेस थे जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं अब हम फिर से इन्हीं एक्टिविटी को करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट करके एक्टिविटी फोर टेक द सेम बैलून विच यूर यूज इन एक्टिविटी वन ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ स्ट्रिंग टाइटली पिक इट विद द पॉइंट टिप ऑफ योर पेंसिल burst. एक्टिविटी फोर अब आपने फिर से वही बैलून लेना है और उसको फुला देना है अब उसके माउथ को किसी टाइट स्ट्रिंग के साथ बांध देना है अब आपने अपनी पेंसिल लेनी है और उसकी जो पॉइंटेड टिप होगी वो तो पिक करना है ओह ये क्या हो गया ये तो फट गया एक्टिविटी फाइव टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच एक्टिविटी टू ड्रा एन एरोप्लेन ओन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन अब एक्टिविटी फाइव में आपने वही सेम पीस लेना है पेपर का जैसा आपने एक्टिविटी टू में लिया था अब उस पेपर के ऊपर आपने एक एरोप्लेन को ड्रॉ करना है और उसे कट कर लेना है एक्टिविटी सिक्स रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ द डॉ अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा Suppose यू आर asked द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटी थ्री वट वुड योर आंसर बी नाउ सपोज करो अब आपसे फिर से वही तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एक्टिविटी थ्री के बाद पूछे गए थे तो अब आपका आंसर क्या होगा We see that the changes which have occurred in activity 4 5 and 6 can not be reversed. अब हमें पता चला है कि जो भी activity फोर फाइव और सिक्स में हमने changes किए हैं हम उनको reverse नहीं कर सकते हैं यू यूज ए पेंसिल एंड ए इरेजर विथ रिपीटेड यूज दिस शेप एंड साइज चेंजेस कैन बी रिवर्स दिस चेंजेस आप एक पेंसिल और इरेजर को यूज करते हो और उसको बार बार यूज करने के बाद उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है तो क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन इट्स फील इट्स शेप अ लंप ऑफ क्ले इन टू अ पोर्ट कैन दिस चेंज भी रिवर्स ही दैन बिग्स द पोर्ट इन एवन नाव कैन दिस चेंज भी रिवर्स आप किसी पोर्टर को देखते हो वो अपने व्हील के ऊपर काम कर रहा होता है जब वो क्ले से पोर्ट बनाता है तो क्या उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है या फिर जब पोर्टर जो है उस पोर्ट को ओवन में पकने के लिए रख देता है तो क्या वो जो चेंज हो रहा है पोर्ट में वो द्वारा से चेंज हो सकता है क्या वो रिवर्स हो सकता है सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल सिक्स पॉइंट वन विच हो चेंज डू यू थिंक कैन बी रिवर्स कुछ एक जो कॉमन चेंजेस हैं वो टेबल सिक्स पॉइंट वन में दिए गए हैं है। इन इनमें से कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रूप चेंजेस इज टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स सिक्स पॉइंट टू कुड देर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज क्या यहाँ पे कोई और चेंजेस भी किए जा सकते हैं We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in its tools is fixed to the wooden handle? हम बहुत सारे टूल्स को देखते हैं जो soil को खोदने के लिए यूज होते हैं क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो वुडन हैंडल होता है उसमें वो आयरन ब्लेड जो हैं किस तरह से फिक्स होते हैं द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड आपने देखा होगा कि जो भी टूल्स होते हैं उसके आयरन ब्लेड में एक रिंग प्रजेंट होती है जो कि वुडन हैंडल में फिक्सअप होती है नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल आपने देखा होगा जो रिंग होती है उसका साइज वुडन हैंडल से काफ़ी छोटा होता है टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्ज इन साइज एक्सपेंड हैंडल को फ़िक्स करने के लिए रिंग को हीट अप किया जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है डैट मीन्स कि वो एक्सपेंड कर जाता है नाउ द हैंडल ईजली फिट इंटू द रिंग जिसकी वजह से जो हैंडल होता है वह रिंग में ईजली फ़िट हो जाता है वन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल और जैसे ही रिंग जो है ठंडी होती है तो वह फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और उस हैंडल पर टाइटली फिट हो जाती है

हम उसको हीट अप करते हैं जो मेटल रीम होता है वो वुडन व्हील से थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन जैसे ही हम रिम को हीट करते हैं वो एक्सपेंड करता है और व्हील में फिट हो जाता है लेकिन जब हम ठंडा पानी उसके ऊपर पोर आउट करते हैं तो रिम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और व्हील पे टाइटली अप हो जाता है व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगेन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम

और कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही बॉयल होने देते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है चैप्टर नंबर फाइव एक्टिविटी सेवन में हमने ये देखा था वाटर वेपर्स को अप cool किया जाता है तो वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाते हैं हम सब ने आइस की मेल्टिंग को नोटिस किया है आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू कर देती है जब आइस मेल्ट होती है तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाती है क्या फिर से इस मेल्ट हुए वाटर से हम आइस को बना सकते हैं लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस कुछ और चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं एक्टिविटी सेवन टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल नाउ फिक्स इट एट अ अटेबल प्लेस एंड लाइट इट लेट इट बर्न फॉर सम टाइम नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन एक्टिविटी सेवन एक छोटी कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को स्केल से मापिए अब उसके बाद उसे किसी सुटेबल जगह पर फिक्सअप कर दीजिए और उसे जला दीजिए कुछ टाइम तक उसको जलने दीजिए अब कैंडल को बुझा दीजिए और उसकी लेंथ को फिर से मेजर कीजिए कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स इफ वी वर टू टेक द सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स जो कैंडल की लेंथ है उसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम कुछ एक वैक्स को पैन में लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं रिपीटेड एक्टिविटी सेवन विद एन इंसेंस स्टिक वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली वट आर द चेंजेस डेट अकर इन द इंसेंस स्टिक एक्टिविटी सेवन को इंसेंस स्टिक के साथ भी रिपीट कीजिए और इसको कम्प्लीटली जलने दीजिए इंसेंस स्टिक के साथ क्या चेंज हुआ है द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस द सम न्यू मटीरियल दीज आर ऐश एंड सम गैसेज जो स्टिक होती है जब वो जलती है तो नए मटीरियल को प्रोड्यूस करती है कुछ एक ऐश और कुछ गैसेज वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देअर प्लीजेंट स्मेल हम उन गैसेज को नहीं देख सकते हैं लेकिन सिर्फ हम उनकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं कैन दिस चेंज वी रिवर्स क्या ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है एंड

हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं उनके बीच में जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में हमने डिस्कस किया लेकिन तब क्या होगा जब दो सप्टानसेस को मिक्स किया जाता है इन चैप्टर फोर वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन अ वाटर चैप्टर फोर में हमने सोल्ट को वाटर में मिक्स किया था क्या वहाँ पे सोल्ट और वाटर में कोई चेंज हुआ था इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं वेट इन चैप्टर फाइव वी लर्न हाउ टू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन द वाटर। चैप्टर नंबर फाइव में हमने ये जाना था कि सोल्ट और वाटर के सोल्यूशन में से हम सोल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं सो कैन वी से डैट द चेंज ड्यू टू द डिजोलिंग सोल्ट इन वाटर इज रिवर्स आस्क इफ वी हैव एवर सीन कर्ड अ स्मॉल क्वानिटी ऑफ कर्ड इज आपने कभी curd को बनते हुए देखा है गरम दूध में थोड़े से क्वांटिटी में कर्ड को मिलाया जाता है और मिलक को हिलाया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको वैसे ही किसी गर्म जगह पे रख दिया जाता है कुछ घंटों के बाद जो मिल्क होता है वो दही बन जाता है क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं वी फाइंड डेट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सप्टानस कुड बी बाय द हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सप्टांसिस हमने सब्सटेंसेस में चेंज लाने के लिए ये जाना है या तो हम हीट करके या किसी और सब्सटेंस में उसको मिक्स करके चेंज ला सकते हैं वी आल्सो फाइंड डेट द सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड बाय सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स कुछ एक चेंजेस जो है रिवर्स्ड हो सकते हैं लेकिन कुछ एक चेंजेस जो है वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं इट इज़ पॉसिबल डैट सम ऑफ डेम कुड बी रिवर्स हम इन चेंजेस को रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स के ग्रुप में डाल सकते हैं इन हायर क्लासेज यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एन द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड बड़ी क्लासेस में आप और जानोगे कि किस तरह से चेंजेस को हम कर सकते हैं और उनको हम कैसे ग्रुप में भी रख सकते हैं स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर सिक्स चेंज अराउंड अस। इफ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शेयर एंड लाइक इट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो जय हिंद जय भारत